भाई ठंड पड़ रही है और देखो यहाँ पर चाय पकौड़ी हमारा नाश्ता चल रहा है और बाहर देखो कहाँ पर है बारिश पड़ रही है। नाश्ता हो चुका है, अब हम निकल रहे हैं यहाँ से पौड़ी के लिए। ऐसे में है लेंच डाउन के चौराहे पर, यहाँ पर इनका बस अड्डा पूरा, इधर पूरी मतलब टैक्सी वगैरह जाती है, मैक्स वगैरह, आप यहाँ से कहीं भी जा सकते हैं। और बाकी इधर बस वगैरह खड़ी है पीछे, तो बस यहीं से हम निकलते हैं पौड़ी के लिए। तो लेट्स वो घर जिसका होगा दीपक भावे के जब बढ़िया व्यू आ रहा है तो भाई सब ये है खिरसू। क्या है ये खिरसू? और हम खिरसू से हम निकलते हुए इस समय और दो लवार हमारे पिछाते हुए और ये आयुष भाई और आ गया और यहाँ पर इस समय पीछे लग रहा है कि बादल आ रहे हैं, छोटा सा आदमी आ रहा देख और ये बादल है, कोहरा नहीं है, अभी बारिश पड़ गई रुकी है और दोबारा से पड़ने वाली है और हो सकता है मेरी आवाज़ प्लान और चलते हैं आगे क्योंकि आज हमें रुक चलना भी था, वैसे घर लौटने का प्लान था लेकिन मौसम खराब होने की वजह से आज हमें प्लान रहा एक दिन का और एक्सटेंड करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम पहुँच पाएंगे। यहाँ से हम चेकआउट करने की तैयारी में हैं। हम यहाँ पर इस समय हैं खिरसू में, आपको नाम थोड़ा अजीब लग रहा होगा लेकिन हमारा जो प्लान था वो पौड़ी तक का था, हम पौड़ी आए थे लेकिन पौड़ी आने के बाद जब भी हम वहाँ पर आए, जैसे हम पौड़ी पर घुसे तो वहाँ पर हमें बस में एक सज्जन जी मिले और उन्होंने कहा कि भैया खिरसू में काफ़ी अच्छी ठंड पड़ जाती है और वहाँ पर आपको बर्फ़ देखने को मिल सकती है, तो हम यहाँ पर आ गए लेकिन यहाँ पर हमें ऐसा कुछ मिला नहीं, उल्टा हमें बारिश मिली यहाँ पर। और पीछे का व्यू आप देख सकते हैं, व्यू तो बहुत अच्छा है और टेम्परेचर भी पौड़ी से यहाँ पर कम ही रहता है, तो अगर यहाँ बर्फ़ पड़ती है तो काफ़ी अच्छी बात हो सकती थी रात में, लेकिन हम शायद यहाँ कह सकते हैं कि खुशकिस्मत नहीं रहे और हमें बर्फ़ देखने को नहीं मिली। बाकी हमारी पूरी टीम इस समय देखो चेकआउट करने के लिए रेडी है और सबसे अच्छी बात यह है कि यार खिरसू में रूम इतने महंगे नहीं हैं और ये हमारे दीपक भाई पीछे बैठे हुए कुर्सी पर और ये सीटू भाई और टंडन भाई दोनों यहाँ पर रेडी हो चुके हैं और मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ का रूम, तो रूम में भी काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ हैं। देखो यहाँ पे रूम की अगर बात करें तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा आपको गद्दा और
बेड मिल जाता है और साथ में बैठने के लिए चेयर वगैरह भी है और टीवी वगैरह भी है और अटैच बाथरूम वगैरह भी है सिर्फ 1000 रुपीज़ में। तो भाई क्यों, फैसिलिटी सारी सब बढ़िया है और सब कुछ मतलब ये कह सकते हैं कि बजट में है और अच्छा है। अगर आप कभी आना चाहते तो आओ ज़रूर। और फिलहाल ये है कि हिल स्टेशन के लिए अगर देखा जाए तो तौर पे परफेक्ट है, यहाँ पर शांति बहुत है। और आपने कभी जब बचपन में आप होंगे तो आपने पढ़ा होगा कि यार पहाड़ों पे सीढ़ीनुमा खेती होती है, उसका पीछे आपको व्यू देखो, मैं फ्रंट में दिखा रहा हूँ एकदम से, आपको मेरे पीछे व्यू दिख रहा होगा किस तरह से लोगों ने यहाँ पर खेती कर रखी है। तो अभी तक आपने सिर्फ पढ़ा होगा उसकी वीडियो, ज़्यादा पहली बार देख लो क्योंकि आपको शायद यहाँ पर कुछ सीखने को मिल जाए। इतनी पास से मैंने भी पहली बार ही देखी है, मैं कभी उतरा नहीं हूँ इतनी पास से, हालांकि कभी बस वगैरह से देखी थी लेकिन पहली बार देखो कितने पास में, बस नीचे उतर के आपको यहाँ पर सीढ़ीनुमा खेत मिल जाएंगे, सरसों वगैरह और गेहूँ बो रखी है यहाँ पर। और ये देखो कितना गहरा है यहाँ से और काफ़ी नीचे तो लोगों ने खेत अपने बना रखे हैं। तो अभी फिलहाल हम यहाँ निकलने के प्लान कर रहे हैं और डायरेक्ट कोटद्वार पहुँचेंगे, कोटद्वार के बाद सीधे घर। और अगर हम पौड़ी में घूमते हैं तो वहाँ के व्यू भी आपको ज़रूर दिखाए जाएंगे, बेफिक्र रहिए। तो फिर मिलते हैं, चाय वाय पी के सब फिट, वेट कर रहे हैं बस का, वीडियो बना रहा, फोटो खींच रहा, वीडियो आने वाली है, मतलब बस आने वाली है।